नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बहुत ही खूबसूरत मोती वाला डिज़ाइन बनाएंगे और इस डिज़ाइन की मदद से आप थालपोश बना सकते हैं या फिर टेबल के ऊपर रखने के लिए आप यह डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले 5 चैन बनाना है। ये हमारा 1, 2, 3, 4 और ये 5। सबसे पहला वाला जो चैन है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर निकाल देंगे, तो ये हमारा छोटा सा रिंग तैयार हो गया। और अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम 3 चैन बनाएंगे और इसके बाद हमें रिंग के अंदर 11 डबल क्रोशिया बनाना है। तो क्रूस में फंदा लेंगे, रिंग के अंदर डालते हुए फंदे को बाहर करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे, 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया हो गया। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें रिंग के अंदर टोटल 11 डबल क्रोशिया तैयार करना है। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया वो हमारा 1 डबल क्रोशिया है, तो उसे मिलाकर रिंग के अंदर हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। इस डिज़ाइन में ऊन का जो कलर है आप अपने पसंद से ले सकते हैं, और साथ ही आपको मोती लगाना है तो आप लगाइए, नहीं तो बिना मोती का भी आप डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो उसके ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे और ऊन को इस तरीके से बाहर करते हुए इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा बीच का डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हमें इसके आगे का डिज़ाइन बनाना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम 3 चैन लेंगे जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होता है, और इसके बाद हम 2 चैन लेंगे जो 2 डबल क्रोशिया के बीच का दूरी होगा। इसके बाद हमें सभी चैन में एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाना है बीच में 2 चैन का दूरी लेते हुए। तो सबसे पहला वाला जो चैन है वहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। ये वाला हमारा पहला चैन है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद इसमें हम 2 चैन लगा देंगे, 1 और ये 2। फिर से इसके बाद वाले चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम 2 चैन लगाएंगे, फिर से इसके बाद वाले चैन में हम डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, फिर 2 चैन लगा देंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट तक बनाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। सभी चैन में हम डबल क्रोशिया यहाँ तक बनाते जाएंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो ठीक उसके ऊपर वाला जो चैन है, ये वाला ऊपर वाला चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। इस लाइन में हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। अब हमें फिर से 3 चैन लेना है जो हमारा 1 डबल क्रोशिया होगा, और हमें ऊपर का डिज़ाइन बनाना है। तो हमने ये 1 चैन ले लिया, 2 और ये 3, 3 चैन हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ। इसके बाद ये जो हमारा जाली है 2 डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है उसमें हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो वो हमारा 1 डबल क्रोशिया हुआ, तो हमारा टोटल 3 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम 2 चैन लगा देंगे, और अभी मैं यहाँ पर मोती लगा रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो आप बिना मोती का भी तैयार कर सकते हैं। तो 2 चैन के बाद मैंने यहाँ पर मोती लगाया, और इसके बाद फिर से नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है उसके ठीक ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, और इसके बाद जो 2 डबल क्रोशिया के बीच में जाली है वहाँ से हम 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे जैसे कि हमने पहले बनाया था। और इसके बाद हम फिर से 2 चैन लगा करके मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार करना है। मैं आपको एक बार और अच्छे से बता देती हूँ। ये हमने 3 डबल क्रोशिया बनाया, इसके बाद 2 चैन, फिर हमने मोती डाला, फिर से यहाँ पर नीचे वाले डबल क्रोशिया के ऊपर 1 डबल क्रोशिया और फिर 2 और, तो यहाँ भी फिर से 3 डबल क्रोशिया, 2 चैन, फिर हम मोती डालेंगे। तो ऐसे ही हमें पूरा लास्ट तक यहाँ तक बनाना है। तो मैं आपको यहाँ तक बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। और इसके बाद शुरू में हमने जो 3 चैन बनाया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे,
ऊन को हम इस तरीके से बाहर कर लेंगे। तो ये हमारा ये वाला जो लाइन है पूरा तैयार हो गया। इसके बाद हम फिर से तीन चैन लगाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा तीन चैन हो गया एक डबल क्रोशिया। इसके बाद ये जो हमारा नीचे ये वाला चैन है यहाँ से हम एक और डबल क्रोशिया निकालेंगे। इसके बाद ये जो हमारा दो डबल क्रोशिया के बीच में जाली है वहाँ से हम फिर से दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया तैयार हो गया। तो डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। नीचे हमने तीन बनाया, उसके बाद चार, फिर पाँच, फिर छः, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो यहाँ पर हम फिर से दो चैन लगा देंगे, ये हमारा एक और ये दो, और यहाँ पर हम मोती डाल देंगे। मोती डालने के बाद हम फिर से जो दोनों चैन है यहाँ पर हम दो निकाल लेंगे और दो हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो हमारा चार हो जाएगा। तो ये जो पहला वाला चैन है इसमें हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया निकालेंगे और फिर हम जाली में दो निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा चार डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। इसके बाद हम दो चैन लगा करके फिर से हम यहाँ पर मोती लगा देंगे। बस इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 4 प्लाई मोटा वाला ऊन लिया है और क्रोशिया हुक का साइज़ 3.75 mm है और मोती के लिए मैंने पतला वाला 1 mm का क्रूश लिया है ताकि मोती लगाने में हमें आसानी हो। तो बस ऐसे ही हम ये राउंड जो है पूरा तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। फिर से हमने जो यहाँ पर शुरू में 3 चैन लिया था तो सबसे ऊपर वाले चैन में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे और अब हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हम फिर से 3 चैन लगाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा। तो ये हमारा 3 चैन हो गया। इसके बाद नीचे जो हमारा पहला वाला चैन है वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो अभी हमें टोटल 5 बनाना है। एक हमने बना लिया, ये हमारा दूसरा डबल क्रोशिया, ये हमारा तीसरा डबल क्रोशिया और ये जाली के बीच से हम दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो टोटल हमारा 5 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। फिर हम दो चैन लगा करके यहाँ पर मोती लगा देंगे। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो राउंड है हमें पूरा तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। हर एक लाइन में हमें डबल क्रोशिया बढ़ाते जाना है, दो चैन फिर मोती के साथ। तो अभी हम 5 डबल क्रोशिया बनाए हैं। तो इसी तरीके से हम 13 डबल क्रोशिया तक डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो मैं आपको पूरा वहां तक बना करके दिखाती हूँ। बीच में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर मोती, फिर डबल क्रोशिया, फिर दो चैन, फिर मोती, इस तरीके से। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने डबल क्रोशिया के बीच में 2 चैन का दूरी रखा है और डिज़ाइन बनाते समय अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से बराबर होके सेट नहीं हो रहा है तो आप 2 की जगह 3 चैन भी कर सकते हैं। और बुनाई जो है हल्के हाथों से कीजिएगा, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो यहाँ मैंने 5 डबल क्रोशिया तक बना लिया है। तो ऐसे ही हम 13 डबल क्रोशिया तक तैयार कर लेंगे। अभी मैंने 7 डबल क्रोशिया तक तैयार कर लिया है। 3, 4, 5, 6 और ये 7 मैंने तैयार कर लिया है। फिर हम इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाएंगे, 13 तक हमें तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। अभी मैंने 10 डबल क्रोशिया तक तैयार कर लिया है और अभी हम 13 तक तैयार करेंगे। तो ये हमारा 10 डबल क्रोशिया तक तैयार हो गया। तो ये हमारा 13 डबल क्रोशिया तक मैंने तैयार कर लिया और 14 वाला जो डबल क्रोशिया है उसे भी मैंने यहाँ तक तैयार कर लिया है। और इसके बाद हम 2 मोती लगाएंगे
तो यहाँ से मैं आपको बनाना बताती हूँ। तो हमने यहाँ पर 14 डबल क्रोशिया बना लिया, और इसके बाद हम एक मोती इस तरीके से डालेंगे, और फिर से हम दो चैन लगाएंगे और यहाँ पर हम मोती डालेंगे। अभी हम 14 वाला जो लाइन है वो हम तैयार कर रहे हैं। ये वाला राउंड पूरा तैयार हो जाने के बाद हम डबल क्रोशिया को एक तरफ से घटाते जाएंगे, तो इसीलिए हम बीच में दो मोती लगा रहे हैं। डिज़ाइन हमारा दो तरफ से निकलते जाएगा, तो बस हमें इस तरीके से मोती बीच में लगाना है और हम 14 डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो सभी चैन को पकड़ते हुए हम डबल क्रोशिया निकालेंगे, और जो हमारा दो डबल क्रोशिया के बीच में जाली है वहाँ से हम दो डबल क्रोशिया निकाल लेंगे, और फिर हम इस तरीके से मोती लगा देंगे। तो ये वाला जो पूरा राउंड है हमें इसी तरीके से बनाना है। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, अभी बस हम डबल क्रोशिया को बढ़ाते जा रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और जो है बना करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, मेरे पहले के वीडियो में भी मैंने बीच का जो डिज़ाइन है इसी तरीके से तैयार किया था, तो अगर आपको वो डिज़ाइन देखना है तो उसका भी मैं वीडियो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी, और साथ ही कमेंट में भी पिन करके लिख दूंगी। तो आपको दोनों में से जो भी डिज़ाइन पसंद आए आप उसे तैयार कर लीजिएगा। बीच का जो डिज़ाइन है दोनों में एक ही है, और अगर आपको मोती नहीं लगाना है तो बिना मोती का भी आप बना सकते हैं। यहाँ मैंने एक कलर का ऊन और एक कलर का मोती से डिज़ाइन को तैयार किया है। आप चाहे तो दो या तीन कलर के ऊन से या फिर रंग बिरंगा मोती से भी आप डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही हम डिज़ाइन को आगे बनाते जाएंगे, तो मैं आपको पूरा बना करके अच्छे से बताती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ हमने टोटल 12 लाइन तैयार कर लिया, जिसमें हमारा टोटल 14 डबल क्रोशिया तैयार होगा। 13 लाइन से हम घटाना शुरू करेंगे, तो ये हमारा 13वां लाइन है। तो यहाँ हम किनारे से एक एक डबल क्रोशिया जो है घटाना शुरू करेंगे। किनारे का हम एक डबल क्रोशिया को छोड़ देंगे, और फिर हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक मोती को यहाँ पर डालेंगे, और इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे। तो ये हमारा एक और ये दो, और हमने जो यहाँ पर दो मोती के बीच में चैन बनाया था तो वहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे, और फिर हम एक और डबल क्रोशिया यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया बीच में तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चैन बनाएंगे, दो चैन हम लगा देंगे जैसे कि हमने शुरू में बनाया था, और इसके बाद हम मोती लगा देंगे। मोती लगाने के बाद हम फिर से किनारे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और सबसे लास्ट में एक चैन को छोड़ करके हम वहाँ तक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये किनारे वाला जो चैन है इसे हम छोड़ करके उसके बाद वाले चैन तक हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा, और ऐसे ही हमें ये वाला राउंड जो है पूरा तैयार करना है। और हमें यहाँ पर किनारे से एक डबल क्रोशिया, जो ऊपर का एक चैन है उसे हम छोड़कर इसके बाद वाले तक हमें डबल क्रोशिया बनाना है। मैं आपको ये वाला जो राउंड है थोड़ा सा और बना करके दिखा देती हूँ। तो अभी हमने मोती डाला, फिर दो चैन लिया, और फिर बीच में एक डबल क्रोशिया, दो चैन, एक डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम दो चैन लगाएंगे, फिर हम मोती डालेंगे, और फिर हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। और किनारे से हम एक डबल क्रोशिया, ऊपर वाला जो चैन है एक, उसे छोड़ करके वहाँ तक हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये राउंड जो है पूरा तैयार करना है।
डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये वाला पूरा बनने के बाद हम फिर से 3 चैन लगाएंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे सभी चैन में, और किनारे का एक चैन हम छोड़ देंगे। तो ये हमने किनारे से एक डबल क्रोशिया छोड़ दिया, ये ऊपर वाला चैन इसे हमने छोड़ दिया। और अभी हम यहाँ पर पहले मोती डालेंगे, और इसके बाद हमने जो नीचे दो डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच वाला जो जाली है, उस जाली के बीच में हमें 6 डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो अभी हम पहले यहाँ पर दो चैन ले लेते हैं, और इसके बाद हम यहाँ पर 6 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया, दो, तीन, चार, पाँच और ये 6। टोटल हमारा 6 डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम 2 चैन देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे, और फिर से हम किनारे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू कर देंगे। तो किनारे वाले चैन से हम बनाना शुरू करेंगे, और सबसे लास्ट वाला जो चैन है एक डबल क्रोशिया, इसे हम छोड़ देंगे, यहाँ तक हम बनाएंगे। तो बस इसी तरीके से ये वाला जो राउंड है हमें पूरा तैयार करना है। बीच में हमने जो 2 डबल क्रोशिया बनाया था उसके बीच में हम 6 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हम 3 चैन बनाएंगे, जो हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, और उसके बाद वाले सभी चैन में डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और किनारे से एक डबल क्रोशिया हम छोड़ देंगे। और इसके बाद यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। तो ये हमने यहाँ पर छोड़ दिया, और फिर हम मोती लगाएंगे। और अभी हमने जो 6 डबल क्रोशिया बनाया था तो उसके सभी चैन में हमें दो दो डबल क्रोशिया बनाना है। तो पहले हम यहाँ पर 2 चैन ले लेते हैं, और इसके बाद यहाँ से हम बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे वाले पहले वाले चैन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा 2 डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम इसके बाद वाले चैन से 2 डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हमें लास्ट वाले चैन तक डबल क्रोशिया बनाते जाना है। तो टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार होगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डबल क्रोशिया के बाद हम फिर से यहाँ पर 2 चैन लगा देंगे। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। ऐसे ही हमें ये वाला राउंड जो है पूरा तैयार करना है। फिर से हम यहाँ पर मोती डालेंगे, और किनारे वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो मैं आपको पूरा ये राउंड बना करके दिखाती हूँ। मोती डालने के बाद हम फिर से किनारे से डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और सबसे किनारे वाला जो डबल क्रोशिया है उसको ऊपर वाला जो चैन, तो उसे हम छोड़ देंगे। और इसके बाद फिर हम इस तरीके से डिज़ाइन बनाएंगे। ये वाला जो राउंड है हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। लास्ट तक बनाने के बाद हम फिर से 3 चैन लेंगे और डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, और किनारे का एक जो चैन है इसे हम छोड़ देंगे। तो इसे मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, और फिर हम यहाँ मोती लगा करके डिज़ाइन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो अभी हमें यहाँ पर 2 चैन लेना है, और इसके बाद हम यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला वाला जो चैन है, ये वाला चैन, इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद इसमें हम एक चैन लगाएंगे, और फिर से इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम एक चैन लगाएंगे,
और इसके बाद वाले चैन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट चैन तक तैयार करना है, एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन। तो टोटल हमारा 12 डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा टोटल 12 डबल क्रोशिया एक चैन के साथ तैयार हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम फिर से दो चैन लगाएंगे और एक मोती लगा देंगे। तो ये हमारा दो चैन हो गया और यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। और इसके बाद हम फिर से पहला वाला जो चैन है वहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और किनारे का एक चैन जो है उसे हम छोड़ देंगे, जैसे कि हमने नीचे किया था। तो इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। फिर से हम यहाँ पर मोती लगा देंगे और इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे। तो हमने मोती लगा दिया और इसमें हम दो चैन लगाएंगे और इसके बाद हम किनारे वाले चैन से बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम एक डबल क्रोशिया एक चैन, एक डबल क्रोशिया एक चैन, इस तरीके से लास्ट वाले चैन तक हमें तैयार करना है। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद वाले लाइन में हम फिर से तीन चैन बनाएंगे और नीचे वाले चैन से डबल क्रोशिया निकाल लेंगे किनारे वाले चैन को छोड़ करके। फिर इसमें हम मोती लगाएंगे और इसके बाद हम दो चैन लगा देंगे और फिर हम जो हमारा पहला वाला जो जाली है, दो डबल क्रोशिया के बीच में जो जाली है वहाँ पे हम क्रूस को डालेंगे। ऊन को बाहर करते हुए हमें इस तरीके से लॉक करना है। और अब हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे। तो ये हमारा एक, दो और ये तीन। इसके बाद नीचे वाले जाली में हम इसे इस तरीके से लॉक करके फिर से हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे। फिर नीचे हम दो डबल क्रोशिया के बीच वाला जाली में इसे लॉक करके फिर से तीन चैन बनाएंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट तक बनाना है। तीन तीन चैन लेते जाएंगे हम और इसे इस तरीके से लॉक करते जाएंगे। तो ये हमारा लास्ट जाली तक डिज़ाइन जो है तैयार हो गया। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर दो चैन लगाएंगे और मोती डाल देंगे। तो ये हमारा दो चैन हो गया। यहाँ पर हम मोती डाल देंगे और फिर से हम पहले वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे और किनारे वाला चैन को हम छोड़ देंगे। बस इसी तरीके से हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। तो मैं आपको पूरा ये वाला राउंड जो है बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन तैयार करेंगे।
फिर से हम यहाँ पर तीन चैन बना देंगे और इसके बाद वाले चैन से हमें डबल क्रोशिया निकालना है और किनारे का हम एक चैन छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारा दो डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। एक हमने कर लिया और ये एक दो हमारा तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर मोती लगा देंगे और फिर हम दो चैन लगा देंगे। जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरीके से हमें बनाना है। पहला वाला जो जाली है चैन के बीच में, हमें क्रूस को डालना है और ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक करेंगे और फिर हम तीन चैन लगाएंगे और फिर से जाली में इसे हम लॉक करेंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट जाली तक तैयार करते जाना है तीन तीन चैन देते हुए। लास्ट वाला जाली तक हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। इसके बाद हम दो चैन देंगे और यहाँ पर हम मोती लगा देंगे जैसे कि हमने पहले किया था। और इसके बाद हम पहले वाले चैन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। तो ये हमारा पहला डबल क्रोशिया हुआ और एक और हम बना लेंगे क्योंकि इसके बाद वाला जो चैन है उसे हमें छोड़ देना है। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक मोती डालेंगे और फिर से हम दो चैन लगाएंगे। और जो हमारा पहला वाला जो जाली है उसमें हम क्रूस को डालेंगे और यहाँ लॉक करके यहाँ पर हम तीन चैन लेते हुए ये डिज़ाइन को पूरा तैयार कर लेंगे। तो ऐसे ही हमें ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार करना है। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा और इसके आगे मैंने मोती नहीं लगाया है। अगर आपको मोती लगाना है तो ऊपर का जो हमारा डिज़ाइन है उसमें भी आप मोती लगा सकते हैं। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। इसके बाद ये जो हमारा दो डबल क्रोशिया है, तीन चैन और एक डबल क्रोशिया, इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो इसके लिए पहले हम यहाँ पर दो चैन बनाएंगे और इसके बाद इसके बीच में हम चार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया। इसके बाद हम दो चैन लगाएंगे और ये जो हमारा पहला वाला जाली है इसमें हम क्रूस को डालेंगे यहाँ लॉक करके। फिर से हम यहाँ से तीन चैन बनाना शुरू करेंगे। तो तीन चैन करते हुए सभी जाली के बीच में हम लॉक करते जाएंगे। तो ऐसे ही हमें लास्ट जाली तक तैयार करना है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं मोती नहीं लगा रही हूँ। अगर आपको मोती लगाना है तो आप बीच बीच में भी मोती लगा सकते हैं। यहाँ मैंने हमेशा दो चैन का दूरी रखा है। तो अगर आपको थोड़ा भी लगे कि डिज़ाइन आपका सिकुड़ रहा है या फिर फैल रहा है तो आप चैन जो है अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पूरा जो है दो दो चैन करते हुए डिज़ाइन को बनाया। अब हम आगे एक एक चैन करते हुए डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो पहले हम ये वाला जो राउंड है पूरा तैयार कर लेते हैं। तो अभी हम दो चैन करते हुए ये राउंड को पूरा तैयार करेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है इस तरीके से तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे। पहले हम दो चैन लगाते थे तो अभी हम एक चैन लगाएंगे और साथ ही आप चाहे तो मोती भी लगा सकते हैं। तो अभी मैंने एक चैन लगा लिया और इसके बाद ये जो हमारा दो डबल क्रोशिया है उसके बीचों बीच हम पहले चार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। इसके बाद हम इस तरफ भी यहाँ पर दो डबल क्रोशिया के बीच से चार डबल क्रोशिया निकालेंगे। तो पहले हम एक चैन लगाएंगे और इसके बाद हम यहाँ से भी चार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे।
तो ये हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया। फिर से हम एक चैन लगा देंगे और इसके बाद किनारे वाले जाली से हम बनाना शुरू करेंगे जैसे कि हमने नीचे बनाया था। तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बनते जाएगा। तो फिर से हम यहाँ पर तीन चैन करते हुए सभी जाली में लॉक करते जाएंगे और तीन चैन देते जाएंगे। तो ये हमारा किनारे जाली तक डिज़ाइन तैयार हो गया। फिर से हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे और दो डबल क्रोशिया के बीच में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पर। और चार डबल क्रोशिया बनने के बाद हम फिर से एक चैन लगा करके चार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे जैसे कि हमने पहले किया था। तो ऐसे ही हमें पूरा ये राउंड तैयार करना है, तो मैं आपको पूरा बना करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसके आगे का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमें डिज़ाइन को एक एक करके तैयार करना है। तो पहले हम यहाँ पर एक चैन ले लेंगे जो हमारा दूरी रहेगा, और इसके बाद ये जो हमने चार डबल क्रोशिया बनाया था तो इसके बीच में हम चार डबल क्रोशिया बना लेंगे। और यहाँ से हम डिज़ाइन को ऊपर पहले पूरा तैयार कर लेंगे। एक एक करके डिज़ाइन को हमें तैयार करना है। तो ये हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया। ये वाला जो चार डबल क्रोशिया है वो इस तरफ का डिज़ाइन के लिए जाएगा, और ये वाला जो ये इधर जाएगा, और ये वाला जो चार डबल क्रोशिया है वो इस तरफ जाएगा। तो अभी हम पहले इधर का डिज़ाइन पूरा तैयार करेंगे। एक एक करके हमें डिज़ाइन बनाना है। तो अभी हम डिज़ाइन को पलट देंगे और इसके बाद हम यहाँ पर बीचों बीच ये जो हमारा चार डबल क्रोशिया है उसके बीचों बीच हमें चार डबल क्रोशिया तैयार करना है। तो पहले हम एक चैन लेंगे और ऊपर वाला चैन को पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे यहाँ पर बीचों बीच, और यहाँ पर हम तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे। तीन चैन हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, तो हमें टोटल चार डबल क्रोशिया बनाना है। तो अभी हम यहाँ पर तीन चैन बना लेते हैं और इसके बाद इसमें हम तीन डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल हमारा चार डबल क्रोशिया तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा चार डबल क्रोशिया तैयार हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर एक चैन लगाएंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। तो किनारे में हम एक चैन लगाएंगे और किनारे वाले जाली में इसे लॉक करके फिर से हम तीन चैन लगाएंगे, और लास्ट वाले जाली तक हमें तीन तीन चैन करते हुए बनाते जाना है। किनारे वाला जाली तक बना लेने के बाद हम फिर से एक चैन लगाएंगे और चार डबल क्रोशिया ये वाला जो है इसके बीच में हम चार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। तो ये हमारा एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये चार। अभी हम ये वाला जो पहला डिज़ाइन है इसे हम पूरा तैयार कर रहे हैं। तो फिर से हम डिज़ाइन को पलट देंगे और आगे की तरफ हम एक चैन लेंगे और पहला वाला चैन को पकड़ते हुए हम बीचों बीच जाएंगे, और फिर से हम तीन चैन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा चार डबल क्रोशिया होगा। तो बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे से पीछे से बनाते हुए डिज़ाइन को आगे तक बढ़ाना है। और जो हमारा बीच बीच में तीन तीन वाला जाली है वो भी हमारा कम होते जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा और बना करके अच्छे से बताती हूँ।
तो डिज़ाइन हमारा इस तरीके से आगे बढ़ेगा और एक जाली तक बनाने के बाद हमें डिज़ाइन को इस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो फिर से हम यहाँ पर बीचों बीच यहाँ पर चार डबल क्रोशिया के बीच में हम चार डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे, तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया। इसके बाद हमें क्या करना है, अभी हमें दो चैन लेना है, तो ये हमारा एक और ये दो, और जो हमारा बीच में एक जाली बचा है इसमें हम इसे लॉक करके फिर से हम यहाँ पर दो चैन ले लेंगे। तो ये हमारा एक और ये दो, और इसके बाद चार डबल क्रोशिया के बीच में हम चार डबल क्रोशिया निकाल लेंगे। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार होगा। इसके बाद हम फिर से पीछे की तरफ से एक बार और डिज़ाइन को तैयार करेंगे। तो डिज़ाइन को हम पलट देंगे और इसके बाद हम फिर से एक चैन लेंगे और चैन पकड़ते हुए बीचों बीच अभी हमें दो डबल क्रोशिया तैयार करना है। पहले हमने चार किया था, इस बार अभी हमें दो डबल क्रोशिया तैयार करना है, तो इसके लिए हम तीन चैन बनाएंगे जो हमारा एक डबल क्रोशिया हुआ, और इसके बाद इसमें हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो टोटल हमारा दो डबल क्रोशिया तैयार हो गया। और इसके बाद हम फिर से यहाँ पर चार डबल क्रोशिया के बीच में दो डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पहला वाला जो डिज़ाइन है तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें बनाना है। तो ये हमारा दो डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पर हम ऊन को इस तरीके से लॉक करेंगे और थोड़ी सी दूरी पर कैंची की मदद से ऊन को कट कर देंगे। फ्रेंड्स, आप चाहे तो यहाँ पर बीचों बीच आप बड़े साइज़ का मोती लगा सकते हैं या फिर आप बिना मोती का भी तैयार कर सकते हैं। तो ऊन को हम यहाँ पर कट कर लेंगे और इसके बाद हम दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। टोटल हमें 12 डिज़ाइन तैयार करना है। तो एक हमने बना लिया, 11 हमें और तैयार करना है। जिस तरीके से हमने पहला बनाया है वैसे ही हमें सभी को बनाना है। तो मैं आपको एक जो है बना करके दिखा देती हूँ कि कहाँ से हमें बनाना शुरू करना है। तो टोटल हमें 12 बनाना है, एक हमने तैयार कर लिया। तो अभी हम दूसरा बनाएंगे। तो यहाँ हमने जो चार डबल क्रोशिया बनाया था तो ठीक इसके बीच से हमें बनाना शुरू करना है, और ये वाला जो डबल क्रोशिया है यहाँ तक, तो वहाँ तक हमें बनाना है। फिर डिज़ाइन को आगे पीछे करते हुए इसे हमें आगे बढ़ाना है। तो पहले हम ऊन को इस तरीके से यहाँ पर जोड़ेंगे, बीचों बीच हम तीन चैन और तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा चार डबल क्रोशिया हो जाएगा। तो ऐसे ही हमें बनाते जाना है। उसके बाद हम एक चैन लेंगे और फिर जाली में हम तीन तीन चैन करते हुए डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो मैं आपको पूरा बना करके दिखा देती हूँ, और अगर आपको मोती लगाना है तो मोती किस तरीके से लगाना है वो भी मैं आपको लगा करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन जो है बनते जाएगा। एक हमने बना लिया और ये दूसरा वाला हम इस तरीके से आगे बनाते जाएंगे, और इसके बाद ये वाला बनाएंगे। इस तरीके से हम पूरा तैयार कर लेंगे। और अगर आपको इस तरीके से मोती लगाना है तो यहाँ मैंने बड़े साइज़ का एक मोती लगाया है, तो सुई की मदद से हम मोती को लगा देंगे ताकि डिज़ाइन जो है हमारा देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। और जितना भी ऊन है सभी को हम पीछे की तरफ अच्छे से बांध लेंगे,
और इसके बाद हम सुई की मदद से यहाँ पर हम मोती लगा देंगे। बस इसी तरीके से हमें मोती को लगाते जाना है। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है तैयार हो गया और इसे मैं अब आपको नाप करके दिखा देती हूँ। तो किनारे वाला जो डिज़ाइन है उसे मिला करके लगभग इसका जो लंबाई है वो 23 इंच है। तो फ्रेंड्स, आप भी यह डिज़ाइन एक बार ज़रूर बनाइए। आप चाहे तो बीच में एक कलर का ऊन और किनारे वाला डिज़ाइन दूसरे कलर के ऊन से भी आप तैयार कर सकते हैं। और अगर आपको यह डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो फिर हम मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।